यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छा हो। तो आप सब ने मेरा थंबनेल में देख लिया तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। और गाइस, आज इतना धूप हो रहा था ना, क्योंकि मैं अपने गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा, तो मैंने बोला कि दोस्त लोगों को नहाने चलते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि खाना नहीं जाएगा, तो मैं बोला लोग पम्मा चलते हैं, लोकेशन अच्छा है और पानी भी काफ़ी साफ है। और हम लोग निकल गया यहाँ से, अपने घर से। उसके बाद मैं अपना पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पम्प घुसता हूँ, क्योंकि मेरे स्कूटी में पेट्रोल ही नहीं था। तो सोचा कि बने पासने से अच्छा मैं अभी भरा लेता हूँ। तो ये है मेरा दोस्त लोग और अपना पेट्रोल भरा के हम लोग यहाँ से निकल गया, रफा रफा हो गया बोमा की ओर। तो अब सब थोड़ा सिनेमेटिक शॉट देख लो इसको। आप सबने मेरा सिनेमेटिक शॉट को एंजॉय किया होगा, क्योंकि हम लोग अपना लोकेशन में पहुंच गया था। तो और सामान लेना था, हम लोग यहाँ दोस्त को रुक रहा था, तो हम लोग अभी मेन अपना लोकेशन में जा रहे हैं। तो मैं सोचा भी नहीं था आज यहाँ पे इतने सारा आदमी होगा, इतनी सारी आदमी होगी, पता नहीं था। पर हमको भी एक चीज़ पता नहीं था कि ये लोकेशन पर अभी पैसा लेता है बोल के स्कूटी का। तो हम लोगों ने पैसा ख़त्म हो गया था, बट मैं दोस्त लोगों को एडजस्ट करो मैंने बोला। और मैं अपना दोस्त को पूछते तुम पैसा कहाँ से लाए, तो वो बोले बाबे भोसरी के चुप। तो हम नदी की ओर जैसे कदम रखा, मुझे गर्मी लगी, तो मैं अपना बॉटम खोलना शुरू हुआ, तो देखा कि अपना जियान दोस्त गिर गया था। तो अपने गर्मी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा के डायरेक्ट पानी के अंदर छलांग मार दिया। और आज अपना थोड़ा आईफोन का भी वाटर टेस्ट कर लिया, क्योंकि मैं भरोसा नहीं होता मेरा आईफोन वाटर प्रूफ है बोल के। तो सभी दोस्त लोगों ने बोला मुझे वीडियो करना अंदर में, तो मैंने चलो तो ये देख सकते हैं, हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया। तो मैं थक गया था, तो मैं बाहर अंदर बैठ गया। उसके बाद हम यहाँ कुछ नोटिस करते हैं, पोमा पे आदमी नहाने नहीं आते हैं, यहाँ का मछली खाने आता है। तो हम लोगों ने बोला आया तो हम लोग भी मछली खा ही लेते हैं। तो हम लोग भी पकड़ना शुरू हो गया, सब अपना मिशन में लग गया। बट हमको एक भी मछली नहीं मिलता, क्योंकि पता नहीं मेरा क्या लोड देता होगा। तो सोचा मैं क्या ही कर सकता हूँ अभी, तो मेरा एक ही काम था अभी आप सबको मेरा दोस्तों तो का पकड़ने वाला मछली को दिखाना। तो ये है मेरा दोस्त लोग का मछली पकड़ने वाला। तो काफ़ी मेहनत किया हम लोगों ने, बट ये कुछ नोटिस ये करो, ये पता नहीं क्या, आप कमेंट करके बताओ। बट दोस्त लोग ऐसा ना करें, ये साफ़ सुथरा जगह में ऐसा ना करें। तो हम लोगों ने अपना मछली को साफ़ किया, उसके बाद आग जलाया, उसके बाद ऑपरेशन किया, क्योंकि बिना ऑपरेशन का खाया तो पता नहीं मछली के पेट अंदर क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या गंदा हो सकता है, इसे खाया तो थोड़ा रिक्स था। तो हम लोगों ने ऑपरेशन किया, उसके बाद हम लोग अपना डंटी डाला, क्योंकि अपना अपना डालने को बोला था। बट मैंने दोस्त को बोला कि मेरा भी डाल दो, तो वो बोला ओके। तो हम बोला हाई इधर देखो बोला, तो उन लोगों ने सब स्माइल करके देखा, हाई किया। और अभी हम लोग अपना मछली को जला रहे, और हम थोड़ा बेहतर था देखकर कि हम लोग का मछली थोड़ा जल चुका था, ज़्यादा ही जल चुका था। बट अच्छा से पका नहीं था, पता नहीं किसका अच्छा से पका नहीं था बोल रहा था, मेरा तो अच्छा से मैंने पकाया। उसके बाद खा के देखा तो काफ़ी टेस्ट था, बट एक चीज़ इतना तेज नहीं लगा कि नमक नहीं था, क्योंकि हम लोग बिना प्लानिंग करके आया था ना, तो मछली खाएगा बोल के। तो ये देख सकते हैं, जियान है आप, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हम लोगों ने काफ़ी खाया पिया, मतलब चलो एंजॉय किया आज का दिन, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था हम लोग मछली गए, नहीं तो हम लोग खाना साना भी लेके आना। तो अभी हम लोग निकल रहे, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुका था और हम लोग का रास्ता बहुत दूर था। तो गाइस, हम अभी अपना घर की ओर जा रहे। तो मैं पूछा कि दोस्तों को कैसे लगा, तो बढ़िया था, बहुत मज़ा था बोल दिया। तो गाइस, मैं अपना ब्लॉग्स को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में, बाय बाय। आज हम आए हैं पोमा नदी में, चल चल चल।